अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तालिब है और आप देख रहे हैं उस्ताद तालिब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप पेपल का अकाउंट पाकिस्तान में बना सकते हैं और उसको वेरीफाई करके उसमें पेमेंट रिसीव और सेंड कर सकते हैं, और इसमें एक्सचेंज करने का भी तरीका आपको बताया जाएगा कि आप अपनी पेमेंट्स को कैसे डॉलर्स को जो है ईजी पैसा और जैस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और पेमेंट पाकिस्तान में उसको रिसीव कर सकते हैं। अपना पेपल का अकाउंट क्रिएट करने के लिए बिल्कुल फ्री आपने इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑल पे सेट कर लेना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता कि मेरे पास यहाँ पे $50 भी पड़े हुए हैं। ये मेरा पेपल का वेरीफाइड अकाउंट है, यहाँ पे मैं पेमेंट भी रिसीव करता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता है कि पाकिस्तान में पेपल का अकाउंट कैसे बनाते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना है। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जैसे उस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस होगा। आपने यहाँ पे सर्च करना है paypal.com, आगे आपने स्लैश लगा देना है। स्लैश लगाने के बाद आपने यहाँ पे PH लिखना है और उसके बाद आपने होम लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे देखें paypal.com/ph/home लिखने के बाद आपने स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देनी है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट दे दूंगा। आपने यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री 2 डे के बटन पर आपने जस्ट क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। आपने यहाँ पे बिजनेस और पर्सनल का आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो आपने यहाँ पे अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, अगर आप पर्सनल करेंगे तो आपके पास क्रिएट नहीं होगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना है। मैं यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और वो पूछ रहा है माई प्राइमरी यूज ऑफ पेपल इज, तो यहाँ पे आप बुथ वो पे क्लिक कर सकते हैं। आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेंड पेमेंट टू सप्लाइजर के लिए भी है। तो यहाँ पे मैं बुथ कर देता हूँ और यहाँ पे आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट। तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, मैं मार्केट फ्रीलांसर्स के फ्रीलांसर के तौर पर इस्तेमाल करूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आई एम नॉट श्योर नॉन ऑफ द अबोव, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लास्ट पे जो है वो कह रहा है कि आप कितनी पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, तो इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आप अमाउंट वगैरह आपको पता है कि इतनी अमाउंट मेरी रिसीव और सेंड होगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बड़ा ही ईजी सिंपल सा तरीका है यार इसमें अकाउंट बनाने का पेपल का, जिस तरह मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने किस ईमेल के साथ इसको जो है क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल है मेरे पास, मैं उसको दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ईमेल देने के बाद आपने जस्ट कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, तो पासवर्ड आपने कुछ इस तरीके से देना है। पहला लफ्ज़ आपका बड़ा आएगा, बाकी सारे हिंदी से छोटे आएंगे। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3 इस तरह से एट द रेट आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए पासवर्ड दिया है, आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करनी है और वो आपसे पूछेगा फर्स्ट लीगल नेम, तो आपका जो भी फर्स्ट लीगल नेम होगा वो आप देंगे। राइट, मेरे पास यहाँ पे देखिए चौधरी है, लास्ट नेम मेरा तालिब है। तो आप जो भी आप अपना नेम देना चाहते हैं, जिसका नाम आपका नाम मोहम्मद है तो ऊपर आप मोहम्मद देंगे, नीचे अहमद देंगे। ठीक है, तो बिजनेस डिटेल्स में आपने अपने बिजनेस की डिटेल्स लिखनी है। तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं यहाँ पे टेक्निकल अपनी डिटेल्स दे देता हूँ। मेरा टेक्निकल बिजनेस है, तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह शॉप का नाम या फिर कुछ भी आप करते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बिजनेस फोन नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है +92। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने +92 लगा दिया है। अब इसके बाद हमें अपना मोबाइल फोन नंबर जो है यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, मैं अपना मोबाइल फोन नंबर इंटर करता हूँ। वो बिजनेस एड्रेस पूछ रहा है, तो आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है यहाँ पे देखिए, तो वो एड्रेस वगैरह आप अपना यहाँ पे सर्च सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा जो सिटी है वो लाहौर है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी लाहौर की हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मैं लाहौर। यहाँ पे एक चीज़ है, जिप में आपने क्या करना है, जिप कोड आपने देना है सर 1006 आप देख सकते हैं। ठीक है, जिप कोड आपने ये याद रखना है कि मनीला का देना है। ये फ्लाइंस की कंट्री से हम लिंक करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पूरा 1000 दे सकते हैं या फिर 1006 देंगे। ये जिप कोड अगर आप नहीं देंगे तो आपका अकाउंट कभी भी क्रिएट नहीं होगा, सभी यही गलती करते हैं। तो आप यहाँ पे 1006 लिखेंगे और रीजन जो है आपका यहाँ पे आप मलीना लिख देंगे। ये देखिए मनीला लिखा हुआ है, आपने मनीला दे देना है। और यहाँ से पूछ रहा है वो आपकी करेंसी कौन सी है, तो ये गलती ना करिए मेरे दोस्त। यहाँ पे आपने क्या करना है, USD सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पे USD डॉलर्स है, तो आपने ये सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। जिप कोड हमने दिया 1006 या 1000 पूरा दे सकते हैं। बिजनेस टाइप आपसे पूछ रहा है, तो मेरी यहाँ पे बिजनेस जो टाइप है यहाँ पे मैं इंडिविजुअल कर देता हूँ। ठीक है, इंडिविजुअल करने के बाद कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस, बिजनेस सर्विस या फिर कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर देता हूँ, या आप टेक सर्विस कर सकते हैं। देखिए टेक्निकल्स हमारा है, तो आप या फिर डिजिटल जिसके रिलेटेड हमारा डिजिटल कोर्स, ये मैंने दे दिया। उसके बाद वेबसाइट आप इसको लीव कर सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। तो जस्ट मैंने डिजिटल गुड्स दे दिया। ठीक है, ऊपर इंडिविजुअल दे दिया, तो मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपको नहीं करेक्ट पता है तो आप कोई भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हो। ठीक है, अपना मंथ लगा सकते हो, अपना ईयर्स लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। तो लाइक यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान का ऑप्शन है, तो मैं अपनी नेशनैलिटी जो है पाकिस्तान के वो सिलेक्ट करूँगा। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपने नेशनल ID लिखना है और अपना जो ID कार्ड का आपका नंबर होगा वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। ठीक,
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपना आईडी कार्ड का जो नंबर है वो इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद सेम इधर सबमिट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। जो आपने यहाँ पे होम एड्रेस सेम के बटन पर क्लिक कर देनी, जो आपका पहले एड्रेस दिया होगा वो ऑटोमेटिक ही ये सारा एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए अभी अपडेट के बटन पर क्लिक करता हूँ। ओके, देन यहाँ पे देखिए हमारा जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वेलकम टू योर पेपल बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे कन्फर्म माई ईमेल के बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड लगाने के बाद जो है आपका जो है ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। देखिए मैंने अपना पासवर्ड लगाया, कन्फर्म ईमेल एड्रेस के बटन पर मैंने जस्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है और आपको एक ईमेल भी रिसीव्ड हो जाएगी। तो वापस आते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैं सैमरी पे क्लिक करता हूँ। सैमरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है इसमें अभी एक आपने छोटी सी सेटिंग और करनी है। यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरा पहला जो अकाउंट था उसमें $50 मेरे वो मैंने रिसीव्ड किए थे, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखें इसमें 00 है। तो अभी आपको करना क्या, ये जो फिलीपींस की करेंसी है ना इसको आपने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपने तीन लाइंस पे क्लिक, गो टू मनी पेज के बटन पर आपने जस्ट क्लिक करनी। कितना ही सिंपल तरीका है जी, हमने अपना पेपल का अकाउंट वेरीफाई भी कर लिया, बना भी लिया, पेमेंट भी रिसीव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चेंज करने का भी तरीका आपको बता देता हूँ इसी वीडियोस में। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नीचे, देखिए मेक प्राइमरी का ऑप्शन भी है और क्लोज करेंसी का ऑप्शन भी है। तो आपने जस्ट अगर इसको आप प्राइमरी करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी कर सकते हैं, वो परमानेंटली आपका ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लोज करेंसी के बटन पर क्लिक करता हूँ ताकि ये जो मेरी करेंसी है फिलीपींस की ये क्लोज हो जाए। ठीक है, खाली USD में हो, जो भी पेमेंट आए रिसीव्ड हो सेंड हो तो मुझे यहाँ पे देखिए अवेलेबल डॉलर में दिखाए। ठीक है, देखिए कितना ही आसान तरीका है। उसके बाद आपने सर इसको एक्सचेंज कैसे करना है, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे $50 खड़े हैं, $10 खड़े हैं, जितने भी खड़े हैं, आपने इसको एक्सचेंज कैसे करना है, ये सेंड कैसे करनी, रिसीव कैसे करनी है। अब पेमेंट रिसीव करने के लिए सर आपका जो ईमेल दिया होता है ना, जिस ईमेल से आपने इसको क्रिएट किया है वही उसी ईमेल आपने दूसरे बंदे को देनी है, या कोई वेबसाइट से आप पैसे कमा रहे हैं तो वहाँ पर सर आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वहाँ पर अवेलेबल में आ जाएगी। जब आपके पास अवेलेबल में आ जाती है तो यहाँ पर आप अपना एक बैंक लिंक कर सकते हो, पेओनियर का बैंक होता है। पेओनियर अगर आपके पास अकाउंट है तो वहाँ पर दोस्तों आपके डॉलर्स भी वैसे एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है zoom.com, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आप अपने जो पैसे होते हैं उनको जैस कैश और इजी पैसा में ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि मेरे पास पड़ा हुआ है सर $20 पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं $20 लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने $20 लिखने हैं सर। देखिए $20 हुए, वो कह रहा है आपको पाकिस्तानी 3145 रुपीज मिलेंगे। जो डॉलर का रेट अभी दे रहे हैं वो 157 रुपीज प्लस दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेंड नाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ, वो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, zoom.com वेबसाइट उसके साथ लिंक होती है। अभी आप मोबाइल वैलेट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल वैलेट में ये होगा, आप जैसे लॉगिन विद पेपाल पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए मैं मिसाल के तौर पे लॉगिन विद पेपाल कर ही देता हूँ। और इसके बाद आपने अपना जो तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो आपसे अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपने जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका नेम मांगेगा, रिसीवर नेम वगैरह। तो आपके जितने भी डॉलर होंगे वहाँ पे कट होकर 158 रुपीज़ के हिसाब से आपके जितने भी हों वो आपको इजी पैसा जैस कैश में भेज देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको यह पेओनियर के साथ भी लिंक करने का तरीका बताऊंगा, बैंक का ऑटोमेटिक आपकी बैंक में पेमेंट आ जाया करेगी। तब तक के लिए अपने हौसले दोस्त तालीम शुरू के लिए इजाजत दीजिए, देखते रहिए उस्ताद तालीम यूट्यूब चैनल। अला